बात कर रहे थे? कुछ बात तो नहीं? जी काश कल आप रियाज साहब के बजाय तुम आए होते। यानी रियाज साहब ने रात अजरा के घर को जा रहे हैं। ये लौंडा तो जबरदस्त ब्लैक मेलर मालूम होता है। मुझे अयास कहते हैं। जी सुल्ताना, सुल्ताना परवीन। कितनी खूबसूरत घड़ी है, पर हम नहीं लेंगे। कल को कुछ हो जाए तो इस घर में कफन भी जल्दी से ही आएगा। ये चोरों वाली हरकत ठीक नहीं। इसे चोरी नहीं, डाका कहते हैं, डाका मेरी जान। वैसे बड़ा महकता हुआ खत है। इतनी दिन भरे रही थी क्या? देख सुरैया, वापस कर दे मेरा खत, वापस कर दे। अरे भाई, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छूटते। अच्छा एक बात बता, कितनी बार पढ़ चुकी है ये खत? बहुत बार, और बार बार पढ़ने को जी चाहते। बड़ी खुश नसीब हो तुम, भाईजान है ना। मैं कहूँगी उनसे कि एक हद तक तुम्हारा नाम लिखे दे। माफ करना, तुम्हारे भाईजान अहमक हैं, वो तो जानते ही नहीं है दिल के मामला तो होते क्या। जान जाएंगे और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। अच्छा एक बात बता, तुमने तुमसे मेरी बाबत बात की? नहीं सुरैया, मौका ही नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। दिलदार को सब पढ़ने से फुर्सत मिले तो ना। खैर देखो, जनाबे आशिक ने अपने दिल की बात किस तरह कही है। जाने मन जियो और हजारों वर्ष जियो, तुमने वादा किया था कि बाजार हाट के बहाने मिलने आऊंगी। मैं डांटता रह गया और तुम नहीं आए। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए हजारों चक्कर लगाता हूँ। क्या बात है, पर ना तो तुम खिड़की पर आई और ना ही बाजार हाट के लिए। खुदा कसम, जब तक तुम्हारी एक झलक पा ना लूं चैन नहीं आता। क्या बात है, इस खत का जवाब जरूर देना, क्योंकि इस खत में मैंने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया है। तुम्हारे दीदार का पैसा सलीम बिजली। सलीम बिजली? ये अपने नुक्कड़ वाला सलीम? तू तो बड़ी घूमी निकली, मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि हमारे पड़ोस में ये गुल खिलाए जा रहे हैं। और किसे पता है, किसको मिली? और कहीं बात फैल गई तो क्या होगा? जगह साई होगी, दुनिया तमाशा देखेगी। देखने दो। तुझे क्या लगता है, घर वाले राजी होंगे? राजी हो या ना हो मेरी जूती से। जीती रहो। तुम कब आई? बस कुछ देर का भी। और सुनाओ, अम्मी खैरियत से है? जी आपा। और तुम्हारा पढ़ना लिखना कैसा चल रहा है? कहाँ आपा, सब बंद पड़ा है। क्यों भाई? वो काफी दिन से आए नहीं है। कौन? अरे इरफान भाई जान आपा। और कौन? वो बेचारा परेशान रहता है आजकल, इसलिए वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन मैं कहूँगी उससे तुम्हारे घर। अच्छा मैं चलती हूँ। सुरैया चल जल्दी उठ, चाहिए बंडल मुन्ने खां को दिया। अरे कानों में तेल डालकर बैठी है क्या? चल जल्दी जा, नहीं तो कारखाना बंद हो जाएगा। कुछ भी हो अम्मा, मैं उस मुन्ने खां के यहाँ नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तो जूते खाएगी। वो तो आप रोज ही मारती हैं अम्मा, एक दिन और सही।
ये जो गज भर की जबान है ना तेरी, काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। चल उठती है, ये उठाओ जूती। अम्मा मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम हर बार मुझे उस मुन्ने खां के आके भेजती हो। देख बेटी, मैं जो कुछ कर रही तेरे भले के लिए कर रही। मुन्ने खा के हूँ जरा ज्यादा जरूर है, मगर वो आदमी बहुत अच्छा है। इसीलिए दूसरी शादी की हवस में तुम्हारा जाना है। बेचारे की पहली बीवी बांच है निकोड़ी। मुन्ने खा ने तेरी बाबत बात की थी, कह रहा था एक बार सुरैया से निकाह कर दो तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तू राज करेगी नाच। अम्मा मुझे नहीं चाहिए राज, रोकी सूखी भी खा लेंगे। देख बेटे, आजकल लड़के आसानी से नहीं मिलते, तू दूर क्यों जाती है? इरफान की बहन को देख ले, जवान है, खूबसूरत है, पर उनके घर कोई फटकता तक नहीं। मगर ऐसा ही है ना अम्मा, चौराहे पे ले जाके बेच दो मुझे, बिक जाऊंगी, मगर उस मुन्ने खा से शादी नहीं करूंगी मैं। नहीं करेगी, नहीं करेगी। हाँ हाँ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं उस मुन्ने खा के आती हूँ। नहीं जाएगी, मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम आती। वालेकुम सलाम, खुश रहो। आ गए? हाँ, क्या हुआ? कपड़े सीने की तैयारी हो रही है? हाँ, रजिया और नसरीन के पास एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। मेहंदी लगाई के रुपए मिले थे तो ये कपड़ा उनके लिए ले आई। आप भी क्या सबके लिए फिक्र करती हैं? यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, कभी अपने बारे में सोचा करो। मेरी फिक्र करने के लिए अल्लाह जो है, तुम लोगों के पहने उड़ने के दिन है। क्यों, आपके नहीं है? मैं किसे पहन उड़ कर दिखाऊंगी, मेरा तो वक्त निकल गया। अरे बंदरिया, तो दिन भर खेलती है या पढ़ती भी है? पापा है ना पढ़ने के लिए। अच्छा, और बुड्ढा तू क्या करती है? मैं भी खेल रही हूँ। पापा कहाँ है? वो छत पर बैठ के बाल सुखा रही है। अम्मा कहाँ है? अम्मा तो घर पे नहीं है, वो कारखाने गई है। ठीक है, खेलो तुम लोग। अरे संभल के। आप ठीक है? बस क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे भाई, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई, कहाँ रहती हो आजकल? आप ही के पड़ोस में, और कहाँ। मगर सितम ये है कि इतने नजदीक रहते हुए भी सूरत दिखाई नहीं देती। ये अच्छी कही आपने, हम आपके यहाँ रोज चक्कर लगाते हैं, आप ही गुम रहते हैं। अरे भाई, इसलिए तो हाजिर हुआ कि कोई शिकायत ना रहे। होती कौन शिकायत करने वाली है?
अभी भी नाराज है? फिर इतनी बुझी बुझी क्यों? कहा मैं तो खुश हूँ। आंखें सूजी हुई रोई थी क्या? हाँ, जब गुस्सा आता है तो रो लेती हूँ थोड़ा बहुत। और ये गुस्सा किस पर आता है? कभी अम्मा पर, कभी खुद पर, और कभी औरत पर। मुझे गरीब पर गुस्सा क्यों आता है भाई? इतना भी नहीं समझते। आप कहाँ खो गई? यही तो हूँ आपके सामने। चर्चा है कि आजकल रोज पिटती हो? हाँ, डट कर पिटाई करती है अम्मा। अच्छा, तो आज भी पिटी हो? पेट भर कर मार खाई है, तबीयत तर हो गई। क्यों? अम्मा मेरी शादी करना चाहती है। तो तुम मान कर ही लेती उनकी बात? वो एक बूढ़े खुसर के साथ मुझे बांधना चाहती है। तुम इनकार करती होगी और वो तुम्हें पीटती होगी। अगर से हिला देना आप मुझे तो खुशी खुशी शादी कर लूंगी। आजकल खाने के लिए भी कहाँ मिलता है? नहीं तो सबसे पहले मैं खा लेता हूँ। बड़ी मुश्किल से गुजर होता है। अम्मी जो कहती है उनकी तरफ से वही सही है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मगर मगर क्या? आप चाहें तो जिंदगी की सारी खुशियां दे सकते हैं मुझे। मैं एक दिन बिक जाऊंगी। पल्ले बांध कर ही दम लेंगी। सब ठीक हो जाएगा सुरेश, खुदा पर भरोसा रखो। ये क्यों नहीं कहते कि मुझ पर भरोसा रखो? मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। एक बार कहकर तो दिखा होगा। अब मैं क्या मुंह फोड़ कर अपने दिल की बात कहूं? राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। आप ही के लिए तो कर रही हूँ ना बाजी। ये क्या, अभी तक साफ सफाई चल रही है? वही साहब और उनकी बेगम किसी वक्त आ सकते हैं। तस्सीम, तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। आप फिक्र ना करें अब्बा जान, हम बाजी को पूरी तरह से सजा कर ही उनके सामने लाएंगे। खुदा नजरें बद से बचाए। हमारी नसरीन लाखों में एक है, जिस घर में जाएगी वहां रौनक आ जाएगी। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे, तुम ठीक कहती हो। बेटा, लड़की कांच की तरह होती है, जरा सा भी बाल आ जाए तो दुनिया मुंह फेर लेती है। लेकिन अब्बा, जब लड़के वाले सौदेबाजी करते हैं, लालची कुत्ते की तरह मुंह फाड़ते हैं, तो उन्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहता? जमाना ही ऐसा है, उसे बदलना मुश्किल है। पत्थर के नीचे दबा हुआ हाथ झटका देकर नहीं, धीरे धीरे निकलता है। अब्बू, अगर वहीद साहब ने मुंह खोला तो आप क्या जवाब देंगे? देखो बेटा, नसीम का रिश्ता हमारी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से आया है। और जहां तक मुझे मालूम है, वहीद साहब रोजा नमाज के पाबंद हैं, हर काम शरीयत की रोशनी में करते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है हाथ नहीं फैलाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह की मर्जी।
लीजिए भाई साहब, अपना ही घर समझिए, तकल्लुफ मत कीजिए। अजय जनाब, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला और अब एहसास हो रहा है कि हमने नाश्ते के नाम पर खाना खा लिया। क्यों बेगम? चाची जान, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ मुंह जुटलाकर छोड़ दिया। अब क्या बताऊं बेटा, दुनिया जहान की बीमारियां लगी है इस जान को, उसके ऊपर इतना सारा परहेज, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। सच कहती हूँ बेटी, मैं तो भूखी मर जाती हूँ। खुदा आपको शिफा दे। चाय तो पी सकती हैं? आप हाँ पी लूंगी। नसरीन, चाय ले आओ। वही सब, कुछ पान वगैरह का शौक भी रखते हैं आप? जनाब, हमने कोई बेजा शौक नहीं पाले। क्यों बेगम? अरे भाईजान, ये तो बिल्कुल मुल्ला है मुल्ला। रोजा, नमाज, हज, वजीफा, इसके अलावा इनको तो और कुछ सूझता ही नहीं। इनका बस चले ना तो बस ये दिन भर सजदे में ही पड़े रहे। एक मिनट, चश्मे बद्दूर, आपके होने वाले मियाँ अगर आपको देख ले तो ये शादी ब्याह का झंझट छोड़ पृथ्वीराज चौहान की तरह आपको अभी के अभी उठा ले जाए। आपके होने वाले मियाँ को भी यही कहना शादी के बाद, हट बदतमीज। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बेटी, आओ मेरे पास बैठो। बैठो बेटे, बैठो। माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। खुदा नजरे बद से बचाए। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। अरे नहीं बेटा, तुम बड़े वक्त पर आए हो। आओ आओ। अच्छा बेटी, अब तुम भीतर जाओ। जी। कलीम साहब, सच जाने तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा मुबारक दिन है। वो इसलिए कि हमें एक चांद सी बेटी मिली। बाजी मुबारक हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ हाँ, तो जनाब अब कुछ काम की बात हो जाए। देखिए जनाब, मैं गरीब लेकिन इज्जतदार आदमी हूँ। दुनिया का हर बाप अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाना चाहता है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। भाई साहब, ये बात कोई झक्की छुपी थोड़ी ही है। आपके घराने का गुण देख कर ही तो हम रिश्ता लाए हैं। आपको देने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी बच्ची है। आप गालिबन मेरा मकसद तो समझ ही रहे होंगे। जी हाँ, अच्छी तरह से समझ गए हैं, मगर क्या करें, हमारा भी एक ही लड़का है जो महीने में हजारों रुपए कमाता है, ऊपरी आमदनी सो अलग। हाँ जरा, अब तक कई ऊंचे ऊंचे घरानों के रिश्ते आ चुके और एक साहब ने तो यहाँ तक फरमाया है कि वो अपना सारा खर्चा हमारे लड़के के नाम कर देंगे। इतना देंगे कि लोगों के लिए मिसाल होगी। अल्लाह ने उन्हें इतना दिया है वहीद साहब कि वो दिल खोल कर दे रहे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपकी नजर कर सकूं और जिसकी लोग मिसाल दे सकूं। भाईजान, हमने हमारे बच्चे के लिए एक नया घर बनवाया है। इंशाल्लाह आपकी बेटी बड़े ही आराम और सुकून से रहेगी। आप बस इतना कर दे कि घर में फर्नीचर और जरूरत जिंदगी की दूसरी चीजें मुहैया करवा दे। देखिए कलीम साहब, वैसे तो मैं जहेज के खिलाफ हूँ और नकद रकम तौबा, नकद रकम तो हमारे लिए हराम है, मगर फर्नीचर वगैरह तो आपकी बेटी की ही काम आएंगे। क्यों बेगम? देखिए जनाब, मैं तो आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि जहेज के नाम पर मेरे पास सिर्फ मेरी बच्ची है।
नसरीन को ब्याहने के लिए मुझे इधर उधर से कर्ज लेना पड़ेगा। वैसे आप तो दीनदार आदमी हैं, शरीयत के पाबंद भी हैं। देखिए, ये तो पहले से ही कह रहे थे, बेगम हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर अब क्या करें, बच्चे की जिद है, हमें बात छेड़नी पड़ी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा तरीका है जहेज बांधने का। पर माफ कीजिए, अगर आपका बेटा शादी के लिए फर्नीचर और दूसरी चीजें मांगता है तो इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आपकी तालीम और तरबियत में कुछ खामी रह गई जिसकी वजह से वो लालची हो गया है। देखिए जनाब, आप अपने आप को खुश नसीब समझिए जो कि हम आपके यहाँ पे आए। आप इतने मुफलिस और कंगाल होंगे इसका हमें कतई अंदाजा नहीं था। हम मानते हैं कि मुफलिस और कंगाल हैं, लेकिन गरीबी और मुफलिस का जरूर तो नहीं है। ना ही ऐसा कोई ऐप है जिसके लिए मुश्किल है। हमारे पैगंबर भी तो गरीब थे पर उनके पास ईमान की दौलत थी, नेकी और शराफत, सच्चाई और ईमानदारी थी जिसकी बदौलत उन्होंने दुनिया को जीती। लेकिन आप तो अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हैं ना, शरीयत के पाबंद कहते हैं, ढोंग करते हैं आप, नाटक करते हैं। आप ही जैसे लोगों ने मजहब को बदनाम करके रख दिया है। बस बस, और रहने दीजिए कलीम साहब, आपने घर बुलाकर हमें बेइज्जत किया है। हुई है। चलो जी, ऐसे भूखे नंगों के मुंह लगना ही फजूल है। चलो चलो थे शादी करने। आ जाइए जाइए, लाहौर मिला खबर, आ जाइए कहा ना आपसे। अरे चलता है।